subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button. बाकी है तोशु ही नहीं, आध्या की ये सबसे बड़े दुश्मन भी है अनुपमा की शरण में। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स। तो दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो पे। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो भी नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता है जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। बड़ा ही दुख हुआ ओपनिंग शॉट में जब देखा हमने झूले पे बा बैठी हुई। बा को देख के बहुत तकलीफ हुई, हालांकि मैंने कहा था कि बा अनुपमा के साथ में जाएगी। पहले अपडेट में बताया था कि बा कहीं नहीं जाने वाली, मगर जब हमने तोशु को देखा और फिर पाखी को देखा, पूरी की पूरी चंडाल चौकड़ी को देखा और स्पेशली तो तोशु और पाखी को, तो बहुत दुख हुआ। फिर लगा कि शायद से भैया तोशु सुधर गया हो, पर तोशु वो कुत्ते की तो मैं कैसे सुधर सकता है। मगर ये लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अनुपमा ने इन दोनों को क्यों रखा हुआ है, पूरे के पूरे फिर वही शाह परिवार को साथ में क्यों रखा है। मगर दोस्तों फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे बात बात में कि उनको तो भेज दिया होगा, चलो मीनू अपना घर पे चलेगी, डॉली भी पता नहीं कहाँ पे चलेगी। मगर बाद में जब अनुपमा शुरू में किचन में रसोई में ऐसे शुरुआत करती है, हाथ जोड़ के दिया जलाती है और फिर वो एक चार्ट बनाया हुआ है, उस चार्ट पे देखती है। भैया वो चार्ट को देख के तो मेरे तन बदन में आग लग गई। पूरी की पूरी लिस्ट बनाई बना के रखी हुई है अनुपमा ने कि इस कुनबे को किसको कब क्या चाहिए। बापूजी चाय और टोस्ट सुबह 7 बजे, बा को ये चीज इतने बजे, तोशु को ये चीज इतने बजे, ईशानी को ये चीज इतने बजे, सबकी पूरी की पूरी लिस्ट बनाई है। लेकिन मुझे दोस्तों जोर का झटका लगा तब जब मैंने वहां पे डॉली का भी नाम पढ़ा, डॉली चाय और टोस्ट। मैं हैरान रह गया दोस्तों। अभी एक एक करके सभी के इंट्रोडक्शन तो होगी हमारे साथ। डॉली जो कि इस मेन पूरे के पूरे मामले की रिस्पॉन्सिबल सबसे बड़ी थी, आज जो भी अनुपमा के साथ हुआ है इतनी कमीनगी, इतना घटियापन डॉली ने किया था। तोशु और पाखी को फिर भी हम ये कह सकते हैं कि वो मौके पे नहीं थे, उनको लगा कि आध्या ने ऐसा धक्का दे दिया तो वो उन्होंने कहा कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। लेकिन इस लेडी ने तो जानबूझ के मनगढ़ंत बात बता के बना के अपने मन से तो जानबूझ के आध्या को फंसाया। तो वो डॉली का भी नाम वहां पे मौजूद है, डॉली को चाय और टोस्ट। डॉली भी वहीं पे है तो मैं तो हैरान हूं दोस्तों, मतलब हैरान से ज्यादा परेशान हूं। तो आप कैसे क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.